आक्रोशित निवासी लगा सकते हैं गुहार। बात की जाए उन्नाव जनपद की, जहां पर आजादी से लेकर अब तक कई क्षेत्रों में कच्चे मार्गों से आवागमन करने को मजबूर हैं यहां के नगरवासी। आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 25 लोधनहार मोहल्ला दोरागाबाग के निकट में है, जहां पर नगर पालिका के द्वारा अभी तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ के कई बच्चे दलदल भरे रास्ते में गिरकर अपना पैर भी तोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी और सभासद चैन की नींद सो रहे हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, तहसील पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता, साथ ही कचहरी जाने के लिए भी 2 किलोमीटर के रास्ते को पार करना पड़ता है। और ये लोधनहार का मार्ग कल्याणी मार्ग चौराहे से चांदमारी काशीराम रोड में जुड़ा हुआ है। लोधनहार वासियों के लिए तहसील, कचहरी, रेलवे स्टेशन, साथ ही अन्य जगहों पर जाने के लिए एकमात्र यही मार्ग है, और यहाँ के निवासी इसी मार्ग से प्रतिदिन घुटनों के बराबर दलदल से निकलकर आवागमन करने के लिए मजबूर है। लेकिन अभी तक यहाँ के जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली है। यहाँ के नगरवासियों का कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बस चुनाव के वक्त आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उनके सब वादे खोखले नजर आ रहे हैं। कई हजार की आबादी वाले इस मोहल्ले के विद्यार्थी भी इस दलदल भरे मार्गों से प्रतिदिन आवागमन करने को बाध्य हैं। अक्सर विद्यार्थी, बच्चे, बूढ़े इस मार्ग पर फिसल फिसल कर गिर के चुटहिल भी हो जाते हैं। इस मार्ग और इस मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि घरों का गंदा पानी सड़कों पर बहाया जा रहा है, नालियां तक नहीं बनी है। यहाँ के नगरवासियों की माने तो कई बार नगर पालिका प्रशासन में शिकायती पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आक्रोशित निवासियों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण न हुआ तो वो जिलाधिकारी उन्नाव के यहाँ भी अपनी आवाज उठाएंगे। अरे क्या आप लोग लोधना वार्ड नंबर क्या लगता है? वार्ड नंबर तो 25। कौन सा सभासद है यहाँ का? अतुल। अतुल है। काफी समस्या ये सब है। साल हो गया मैं आपको यहाँ रहते हैं। जब से आया सही है। सब्जी लगाते वो ठेला लेके आते वो भी पलट जाता है। बड़ी परेशानी होती है। कमाना नहीं होती है। हमारी लड़की पानी भर के ले जा रही थी बाल्टी से, पैर फिसल गया टांग टूट गई। बोलो उनको, तुम बोलो। हमारे यहाँ सब ठेला लेके निकलते हैं, वो भी गिर जाती सब्जी, इतना कमाना नहीं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। क्या नाम है आपका? सबनम। 10 साल से ऐसे ही जो है सुविधा झेलते चले आ रहे हैं। कोई सी चीज का आप लोग नहीं है? बराबर कई दिन आते हैं, देख के चले जाते हैं, नाप के चले जाते हैं। किससे कहती हैं आप लोग? अतुल आते हैं, 2-3 बार आए हैं, देख देख के चले गए हैं, खाली नपाई हो गई, चले गए। पास हो गई या बन जाएगी, पास हो गई बन जाएगी, बराबर हम लोग कहते हैं। आप कभी नगर पालिका गए आप लोग? एप्लीकेशन लगी है सर, सुनवाई नहीं है, किसी चीज की सुनवाई नहीं है। सब सुनवाई कुछ नहीं है, जब हम लोग बराबर बन जाएगी, दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा। बच्चे निकलने पानी भर के लाए, लड़की की टांग टूट गई मेरी, वो भी लड़की पड़ी है। किसकी टांग टूट गई? हमारी बिटिया की दुकान अंदर पड़ी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुशनुमा है। लड़की का क्या नाम है? साजिया। किस तरह से पैर टूटा उसका? सीधा हाथ पैर कैसे टूट गया? मतलब जो यहाँ से पानी भर के ले जा रहा, पैर सिरका है तो इसमें घुस गई, ले के बाल्टी पर पैर मुड़ गया, यहीं पर से टूट गया पैर। ताज मोहम्मद, ये यहाँ ये समस्या चल रही है, कोई आया नहीं यहाँ? आया आगे देख के चला जाता है, कोई हो जाएगा पास हो जाएगा, हो तो देख रहे 2-3 साल दे, 4 साल दे चल रहा है। कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, ध्यान नहीं दे रहा। नाली बने देखो, यहाँ तलक की बनी, कहीं यहाँ तलक के पास है, त्यागे पास नहीं, इधर कोई रहता ही नहीं, इधर रहते हैं सर। यहाँ तक नाली की भी दिक्कत है, आए दिन हर एक से लड़ाई हो जाती है। नाली जल्दी तो बनी थी, यहाँ तलक खाली बनी है नाली, इसके आगे कोई नाली नहीं। इधर क्या नाम है आपका? धर्मवीर। लोधनहार। लोधनहार, क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है, जो चाहला से भरा है, पब्लिक निकल नहीं पाती है, गाड़ी गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं यहाँ पे सब, और सबको निकलने के लिए तकलीफ होती है। यहाँ के सभासद जो कहते हैं कि हम यहाँ से जीतते नहीं तो काम नहीं कराते हैं। कौन सभासद है? ये अतुल, अतुल के नहीं, अतुल की वो है सिस्टर है ना, अतुल, अतुल। तो इसकी शिकायत आप आगे की? इसकी शिकायत कई और बार की है, जो देखिए जाला भी मकड़ी का लगा हुआ है, केबिल इसका भी किया है, कितनी बार भी किया मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सभी को होती है ना, निकलना बैठना सभी को, बच्चे अलग परेशान होते हैं।